हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं सब की चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं कि समाकलन और दूसरा क्या है, अवकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यानी यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, प्रतिलोम होता है। यानी ये क्या है, ये प्रतिलोम प्रोसेस है, ये एक प्रक्रम है। यानी अगर हमको किसी फंक्शन को प्राप्त करना है तो अगर फंक्शन प्राप्त करना होगा तो उस फंक्शन का हमको क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। क्या? तो जो वो डेरिवेटिव मिलेगा जब उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हमको फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन कैसे, याद कीजिए, क्या फिजिक्स में आपने कुछ सीखा होगा इस टाइप से, हम यही पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम तो सब प्रोसेस है आपको सर बताएंगे कि dx by dt is equal to, आप इसको बोलते हैं v। इसका मतलब जरा सोचो कि अगर हम इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में चेंज किए, लेकिन अगर हमको ये फंक्शन चाहिए, कौन, a चाहिए, a, x चाहिए, ये फंक्शन x चाहिए, तो x कैसे मिलेगा? इसको क्या करेंगे, हम इससे मल्टीपल कर देंगे। तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, तो भी इंटू डी एक्स हो जाए, डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, डी एक्स हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट, क्या बोलते हैं इसका, जब हम इंटीग्रल करेंगे, जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा होगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहां पर जो भी जो कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा और आप लिखते हो डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी एक्स। और यहां भी इंटू ऑफ टी लिखते हो बराबर क्या, एक्स। ये x क्या है, आपका फंक्शन है, यहां पर ये फंक्शन x है। तो यहां पर जो डेरिवेटिव आपको जो दिखता है वो डेरिवेटिव आपका क्या है, फंक्शन है। वही फंक्शन हमको क्या था, ऑब्टेन करना है। तो कैसे मिलेंगे, तो जो फंक्शन दिया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में, उसको केवल हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप समझिएगा कि इंटीग्रेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑफ डिफरेंशिएशन यानी आप समझिएगा कि समाकलन जो होता है, समाकलन याद रहे, समाकलन अवकलन का, अवकलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम प्रक्रम होता है। क्या होता है, प्रतिलोम प्रक्रम होता है, प्रक्रम होता है। एक बात और समझिए, जब प्रतिलोम प्रक्रम होगा इसका मतलब है हम किसका क्या करते हैं भाई, फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब इंटीग्रेशन, प्रति अवकलज का मतलब है इंटीग्रेशन। यहां बात समझने के, यहां पर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, फाइंडिंग, फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रति अवकलज का यहां मतलब जो आप समझिएगा, इसका मतलब हो गया, दैट मींस, दैट मींस इसका अर्थ यह हो गया कि फाइंडिंग, फाइंडिंग एफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन को प्राप्त करना है एफ ऑफ एक्स, हुज डेरिवेटिव, हुज, हुज डेरिवेटिव ऑफ क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो। इस बात को समझना है, अगर हम, अगर हम कोई फंक्शन यानी कोई प्रति अवकलज यानी किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का क्या करें, इंटीग्रल
प्राप्त करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या होगा, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को प्राप्त करना है उस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव हो, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो, यानी इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई। इसका मतलब हो गया कि हमारा ये जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो। तो एफ ऑफ एक्स जो हम लिखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स जो हमने लिखा, एफ ऑफ जो हमने एक्स लिखा, इसका डेरिवेटिव का मतलब है डैश, और ये किसके बराबर होगा, ये फंक्शन जो दिया है इसके बराबर होगा, ये फंक्शन इसके बराबर होगा। आप जरा समझिए यहां पर, ये जो हो गया यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है एफ डैश, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। क्या आपको मैंने बताया था ना कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी एफ ऑफ एक्स बाई क्या डी एक्स। मैंने कहा सीखा था, डिफ्रेंसिएशन में मैंने सीखा था ये चीज को, हमने कहा सीखा था डिफ्रेंसिएशन में। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूं डी अबाई क्या डी एक्स, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, एफ ऑफ एक्स, और ये हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन हमको मिलेगा, यानी हमको यहां से क्या प्राप्त करना है, एफ ऑफ एक्स प्राप्त करना है। तो जब एफ ऑफ एक्स प्राप्त करेंगे उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रल, यानी प्रति अवकलज करेंगे, यानी अब जरा सोचो ये आपका क्या होगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, यहां से इसका मल्टीपल हो जाएगा। आप जरा सोचो, आप जैसे डी और यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका जब हम क्या करेंगे प्रति अवकलज करेंगे, क्या करेंगे प्रति यानी का समाकलन करेंगे, यहां समाकलन, तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहां लिखेंगे प्रति अवकलज करने पर दोनों तरफ क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव बोथ साइड, एंटी डेरिवेटिव बोथ साइड्स, यानी इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है। तो हम यहां लिखेंगे डी और क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होगा डीएक्स हो जाएगा। जब इसका हम डीसी करेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका फंक्शन, ये फंक्शन जो बचेगा वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या होगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। यहां पर आप जो टर्म आया है इसके साथ कॉन्स्टेंट भी आता है तो आप इसको प्यार से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स प्लस सॉरी डीएक्स बराबर क्या एफ ऑफ एक्स प्लस। यहां पर तमाम जितनी भी बातें हैं इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों किया गया, सबसे पहले क्यों का जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों है, ध्यान रहे सबसे बड़ा खेल यहीं पर है, यही इसी लाइन का खेल है, इसी लाइन का खेल है। मैंने बोला कि फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब है एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज, मैं क्या बोल रहा हूं प्रति अवकलज की बात करता हूं, प्रति अवकलज है तो ये प्रति अवकलज हमको क्या होंगे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे इसका प्रति अवकलज फाइंड करें। तो इसका प्रति अवकलज का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो आपका साइन जो दिख रहा है इसी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की हम बात करने वाला है। यहां जो साइन दिख रहा है इस साइन को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं, क्या होता है इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं, और जो इससे प्राप्त जो होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको नोट करें, एक एक चीज को आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, पूरा बेसिक से हम ले चल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्लियर। तो आइए हम समझते हैं कि रियल में इसका मतलब क्या होता है। अगर हम ये पूरे प्रोसेस में, अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में यहां आपको दिख रहा है ना ये पूरे प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड होता है, क्या होता है इंटीग्रेंड होता है।
जिसको इंटीग्रेट किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहां पर जो डीएक्स है, ये डीएक्स आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशियल ऑफ एक्स बोलते हैं। डिफरेंशियल ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, डीएक्स हो गया। डिफरेंशियल ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, डीएक्स। तो यहां पर आप समझिए, और एक्स जो होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस एक्स को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि इस फंक्शन का, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। अगर यहाँ टी होता तो हम बोलते कि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष। यानी हम कहते हैं कि एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का क्या समाकलन, एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का क्या समाकलन। तो यहां पर समाकलन, दूसरी बात है, ये अगर कोई भी फंक्शन इस, अगर ये साइन ऑफ इंटीग्रल के अंदर हो तो इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। इंटीग्रैंड का मतलब होता है फंक्शन जो क्या हो, इंटीग्रेटेड हो। वैसे फंक्शन जिसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो ये हमारा इंटीग्रैंड कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है। तो इस बात को पहले समझना है, इस बात को समझना है। एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर फंक्शन x में है तो हमने क्या लिखा, x अगर t में होता तो t में लिखते, phi में होता तो phi में लिखते। तो जैसे जैसे अगर ये वेरिएबल चेंज होंगे, वैसे वैसे इसका क्या डिफरेंशियल ऑफ क्या होगा, डिफरेंशियल चेंज होगा। अगर ये t में होगा तो इसका डिफरेंशियल t में होगा, अगर phi में होगा तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, phi में होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के द्वारा ही हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक मैं सवाल दे रहा हूं, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्ग टू एक्स, ये क्या एक फंक्शन, इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वर्ग एक्स स्क्वायर। इस पूरे प्रोसेस का मतलब पहले क्या होता है ये समझेंगे हम। ये पूरे प्रोसेस का जो फंक्शन आपको जो दिख रहा है यहां पर, ये फंक्शन को हम लिखेंगे डी अबाई क्या डी एक्स, यानी ए हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स जो आपका हुआ वो किसके बराबर होगा, ये बात को हमको समझना होगा। तो यहां पर अगर हम टू एक्स लिख दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, देखो तो, क्योंकि ये फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा। अब ये क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा। अब जरा समझना है कि हम डी और एफ ऑफ एक्स और बराबर टू एक्स स्क्वायर, और हमने कहा सॉरी टू एक्स इंटू हमने कहा डी एक्स रखेंगे, तो आपको समझना होगा कि इसको हम क्या करें, दोनों साइड में क्या समाकलन, यानी प्रति अवकलस करें, क्या करेंगे प्रति अवकलस। तो डी और ए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा इंटीग्रेशन क्या टू एक्स इंटू क्या डी एक्स, और इसका जो डी सी होगा यहां पर क्या होगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये टू जो कॉस्ट है बाहर निकल जाएगा एक्स इंटू क्या डी एक्स। यानी यहां पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या टू इंटू इसके पावर में जितना है ना एक्स स्क्वायर बाय क्या और टू हो जाए, टू से टू कैंसिल। तो आप देखोगे यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिला एक्स स्क्वायर मिला, यानी ये फंक्शन मिल रहा है ना, ये फंक्शन तो मिल रहा है। तो आपको ये समझना है कि किसी का अगर हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये हमको मिलेगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसका फंक्शन कुछ होगा, उसका फंक्शन कुछ होगा, वो फंक्शन जो होगा उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसी का डिफरेंशिएशन, वो किसके बराबर होगा, जो फंक्शन आपका है 2x तो ये 2x है। यानी ये जो आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम क्या कर रहे हैं डी बाई क्या डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और इसी को हमने क्या 2x लिखा। जैसे इसको हमने चेंज किया ये मेरा वैल्यू क्या मिला यहाँ इसके बराबर। एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक दूसरा क्वेश्चन है जरा समझिए, अब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वर्ग क्या साइन एक्स, इज अ फंक्शन क्या होगा
एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन ये टर्म किस में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये होता है, क्यों होता है हम लोग देखेंगे। इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपका फंक्शन एन है, इसी फंक्शन का हम लोग प्रत्यय प्लस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डी आ भाई क्या डी एक्स, और फंक्शन आपका क्या है यहां पर है माइनस, माइनस क्या कॉस एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स, और जैसे ही डी एक्स होगा बराबर, सॉरी डी एक्स बराबर यह फंक्शन क्या आपका। तो जो फंक्शन आप लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो उस एफ ऑफ एक्स को जरूर लिखे जो बड़ा है ना, इस फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स, और यह डी और क्या होगा माइनस कॉस एक्स। अब क्या हमने डी तो नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि फंक्शन ये जो फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन की हम बातें, यहां डी लगाया था गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसका ये प्रत्यवकलन है। यानी अब क्या करेंगे, ये हम डी लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और इसका क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। तो आप जरा समझना, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहां देखोगे आप कि हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है। तो जो होना होगा तो वो तो होगा ही ना, जो होना होगा वो तो होगा ही, मैं फंक्शन साइन है ना, साइन एक्स, ये हमारा कितना होगा साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स होगा। अब इस काम का करेंगे इंटीग्रल करेंगे, तो डी एफ ऑफ एक्स बराबर डी क्या साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स, यानी ए हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या साइन का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस क्या सी है तो हम सी लिख सकते हैं। यानी हम किसी का कर सकते हैं, हम किसी का करते हैं, ये हमारा कहता है प्रति अवकलज। जैसे हम कोई फंक्शन है, जैसे हम कोई फंक्शन का अगर हमारा दिया हुआ डी बाई डी एक्स, तो इस फंक्शन का हम क्या बात करेंगे एक्स प्लस वन अब आई क्या यहाँ एन प्लस वन, या इस बात को समझिए, इसका जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन जो होगा इंटीग्रेशन कुछ अलग आएगा, कुछ अलग आएगा। तो ये इसका रियल में ही इसका इंटीग्रेशन है इसका करेंगे, तो अगर इसका इंटीग्रेशन है तो एक्स के बराबर कितना होगा एन, चूंकि डिफरेंशिएशन में जितना पावर आता है उतना क्या पावर घटा जाता है, तो हम यहाँ एन प्लस वन लिखेंगे और माइनस क्या वन, और बाई में, बाई में हम क्या लिखेंगे, ये जो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको इससे लेना देना होता है, ये जो आपका कंडीशन है इससे लेना देना होता है। तो ये जो पावर में जो जा रहा है, ये पावर में जो डिफरेंशिएशन टर्म देखते हैं, तो आप इसको क्या लिखते हैं पहले जो पावर में है उसको पावर में लिखते हैं, एन प्लस वन हो गया इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन, और ये बट्टा में कितना होगा एन प्लस वन हो गया। आप देखोगे इससे क्या हो कैंसिल हो गया, और ये क्या होगा एक्स के पावर एन हो गया। ये रियल में जो बचा है इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा यहां बात समझना है। जो ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये इससे से मल्टीपल हो जाएगा जरा सोचो, तो डी और क्या एक्स का पावर कितना एन प्लस वन, अब आई कितना हो गया यहाँ एन प्लस वन और इंटू एक्स का पावर एन और इंटू क्या होगा डी एक्स हो गया। ये इसका इसका जब इसका समाकलन करेंगे हम लोग, यहाँ समाकलन होगा यहाँ पर, तो अब इसको क्या लिखेंगे एक्स के पावर एन प्लस वन बाई क्या होगा एन प्लस वन, और ये बराबर होगा एक्स टू दी पावर कितना एन प्लस एन इंटू डी एक्स, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। यानी इसका समाकलन, जब हम इसका समाकलन करते हैं तो फंक्शन अगर ऐसा है तो आपको इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप किसका इंटीग्रेशन करते हो इसका करते हो एक्स के पावर क्या एन इंटू क्या डी एक्स, जिससे आपको ये मिलता है, ये जो दिख रहा है ना ये मिलता है, क्या लिखते हैं एक्स के पावर कितना एन प्लस वन अब क्या एन प्लस वन अब प्लस क्या सी। तो ये बेसिक चीज है, ये बेसिक फंडा है, कैसे आया इसको हम तो करके मैंने दिखाया। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज करो कि अगर हमारा डी अब आई क्या डी एक्स, तो जरा सोचो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यार लॉग
इसका अगर हम डीसी करेंगे तो इसका डीसी कितना होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन तो इसका मल्टीपल हो जाएगा ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, ध्यान देना यहाँ पर, समझना पहले, सबसे पहले समझना, ये dx का इसका मल्टीपल हो जाएगा इंटीग्रल में, इसका मल्टीपल, तो ये क्या लिखेंगे, 1/x इंटू क्या, dx, और जो इसका वैल्यू लॉग है ना, तो क्या लिखेगा यहाँ पर, लॉग x प्लस के सी। यानी कोई पूछेगा 1/x का डीसी क्या होता है, लॉग x, और लॉग x का, सॉरी 1/x इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x, और लॉग x का डीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं डीसी डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डीसी क्या होगा, 1/x, और इसका 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, लॉग x प्लस सी होता है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, तब आपको बहुत ज्यादा कम, आपका इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला बन रहा है, यही फॉर्मूला बन रहा है, यही फॉर्मूला आपका बन रहा है, फॉर्मूला आपका यही है। अगर मैं बोलूं डी अबाई क्या डी एक्स, और आपने क्या ले लिया यहां पर ई के पावर एक्स इंटू, आपने क्या लगाया इसका डीसी, भाई इसका डीसी वही होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। तो जरा सोचे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ना कैसे, इंटीग्रेशन ये जो दिख रहा है ई के पावर एक्स, और जो ये डीएक्स है ना, ये डीएक्स जाएगा, तो बचा क्या, इसका जब इंटीग्रेशन करें तो केवल ई के पावर एक्स ना, केवल बचेगा ई के पावर एक्स प्लस सी। दूसरी बात यहां पर, चौथी बात आप लिख सकते हैं कि अगर डी अबाई क्या डीएक्स, अगर हम ए टू दी पावर एक्स ले लिया, तो इसका अगर मेरा क्या होगा, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, अगर हम यहां डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स आर लॉग ई टू दी पावर क्या होता है, ए होता है इसका डीसी। लेकिन अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा, अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो होता है बहुत 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 क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हम कैसे करेंगे। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टू दी पावर एक्स इन टू डी एक्स लिखेंगे, तो समझना है ई के पावर एक्स तो रह जाएगा, ई के पावर एक्स इसी काम का करेंगे, ये कंडीशन रह जाएगा, तो ए लिखेंगे हम इसको क्या, ए टू दी पावर एक्स अब आई क्या लॉग ई टू दी पावर ए। मतलब है कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म इसके बट्टा में आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म इसके बट्टा में आ जाएगा, इसी का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कांस्टेंट टर्म हम तो बाहर कर देंगे ना, और इसका जो डीसी होगा वही रह जाएगा, और प्लस आप क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे, सी। तो अगर ए के पावर एक्स का जो डीसी होगा ए के पावर एक्स इन टू लॉग ई टू द पावर ए, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटीग्रेशन होगा ए के पावर एक्स बाई लॉग ई टू द पावर ए प्लस सी होगा, क्या होगा, सी होगा। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करते हैं कि अगर डीसी, ध्यान देना डीसी, और हम यहां लिखते हैं क्या साइन एक्स इसका डीसी, तो भाई इसका हम डीसी करें साइन का क्या होगा, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं, किसका, इसका इंटीग्रल करेंगे किसका, यहां पर कॉस का, तो आप बताओ आप कॉस का इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो डीसी तो आपने किया, लेकिन इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या होने वाला है ये बताओ, इसका जो इंटीग्रल करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कितना माइनस साइन एक्स हो जाता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो जितने भी हम कंडीशन देखते हैं कि इसका जो डी एक्स में इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स, सॉरी हम साइन एक्स, लेकिन लेकिन अगर यहां पर कॉस एक्स होता है यहां पर तो कुछ बात अलग होती, तो आप इसको नोट करें, हम आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखा कॉस एक्स, सॉरी डी अबाई क्या डी एक्स, मैंने लिखा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसका जो हम डीसी करेंगे किसका साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डीसी होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स जो होगा वो क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या ऐसा सही आपको दिख रहा है कि अगर हम इसका डीसी करते हैं तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा, एकदम सही है, होगा। सेवन नंबर हम देखते हैं, सेवन नंबर कि डी अबाई क्या डी एक्स, हम इसको बैठाते हैं क्या टेन एक्स,
तो टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रल की बात करेंगे, किसका इंटीग्रेशन, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स इसका इंटीग्रेशन जो होगा टेन एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। आठ नंबर सवाल की बात करें, डी अबाई जो डीएक्स होगा, ध्यान देना ए क्या होगा, अगर केवल सेक हो जाए सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डीसी होता है सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। और जब हम इसका sec x इंटू क्या लिखेंगे, tan x लिखें इंटू डी एक्स, तो ये हमारे क्या मिलेगा sec x प्लस सी। अब नाइन नंबर आप देखो, d अबाई क्या dx, यहां पर हम लिखते हैं cot x, इसका cot x माइनस क्या होगा cos x स्क्वायर x। लेकिन जब हम इसका dc लिखेंगे किसका cos x स्क्वायर x इंटू डी एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। अगला हम बात करेंगे डी अबाई क्या डीएक्स, इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, तो अभी हम लिखे कॉस एक्स, ये हमारा क्या होगा माइनस क्या होगा कॉस एक्स इंटू क्या कॉट एक्स होगा। और जब हम इसका डीसी करेंगे इसका, तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये डीसी है, ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला पहले इसलिए बता रहा हूं कि आपके जहन में बात आ जाए और इसको याद रखना है। उसके बाद एक एक करके हम पूरा सवाल को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, आपका एक एक सवाल बन जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी बुक का। अगला हम बात करेंगे डी वाई क्या डी एक्स, और हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का डीसी आपको क्या होता है, वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सब मल्टीपल होगा, जब दोनों सब इंटीग्रेट होगा, ये आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डीएक्स, इसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर ये हमारा कॉट में आता तो डी अबाई क्या डीएक्स लिखते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स जो होता ये माइनस वन बाई अंडर रूट माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर होता, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, और ये इंटीग्रेशन होता वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इंटू डी एक्स, ये ऑटोमेटिक किसमें बदल जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी में। आगे जो आप देखेंगे यहाँ पर डी अबाई क्या डी एक्स, और मैं लिखूं टैन इनवर्स एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो वन बाई वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर, इसका डीसी इतना होता है। तो यहां से आपका डीसी भी क्लियर हो रहा है और इंटीग्रेशन भी क्लियर हो रहा है, तो आप लिखोगे वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे जो आपको दिखेगा यहां पर डी अबाई क्या डी एक्स, हम यहां लिख रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस वन बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर होता है। जब यहां पर माइनस आप लगाओगे माइनस वन बाई क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप अगर माइनस लगाना लगाओगे तो माइनस टेन प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस को इसके रूप में बदलेंगे कॉट बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला जो आपका टर्म होगा वो देख सकते हैं डी अबाई क्या डी एक्स, और हम लिखते हैं सेक इनवर्स एक्स, तो इसको लिखते हैं वन बाई मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इसका डीसी होगा। लेकिन जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इन जो डी एक्स होगा वो होगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या सेक। तो यहां पर डीसी आना आपको जरूरी है, यानी जब आपको डीसी आ गया ना हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे चलते हैं डी अबाई क्या डी एक्स, कॉसेक इनवर्स अगर मैं बात बोलूं तो माइनस वन बाई क्या मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप यहां लिख सकते हो माइनस वन बाई क्या मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है
इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हमारे तमाम जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी पर आधारित होंगे। लेकिन इस सवाल के थ्रू हम एक एक करके क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे जिससे पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जितने फॉर्मूले हैं आपके दिमाग में होने चाहिए और प्रत्येक फॉर्मूला पर मैं क्या करूंगा, एक एक सवाल बताऊंगा, दो दो सवाल, तीन तीन सवाल बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, इसको नोट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप फिजिक्स की दृष्टि से भी और मैथ की दृष्टि से। तो जो बच्चे मैथ वाले हैं वो भी सीख सकते हैं और जो फिजिक्स वाले हैं वो भी सीख सकते हैं। क्यों? इसके बिना मैथ नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं बनेगा और इसके बिना फिजिक्स का भी आपका सवाल नहीं बन पाएंगे। जितने कॉम्प्लिकेटेड सवाल फिजिक्स के होते हैं सब इसी पर बेस्ट होते हैं अधिकतर। क्लियर? रूल, अगर इंटीग्रेशन अगर फंक्शन क्या हो, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो आप इसी को पहले एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख रहे थे, ठीक है ना, इसी को हम एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख रहे थे। दूसरी बात, अगर इस इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए सी, या चाहे के ही ले लो के, अगर कोई कांस्टेंट किया जाए और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है, एक कांस्टेंट होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो पहले हम के को बाहर निकालते हैं और फिर जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल करते हैं। तो अब जब यहाँ से इसका वैल्यू कितना है, देखो तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या सी लिखेंगे। अब हम बात करें एडिशन में, अगर हम एडिशन में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फंक्शन आ जाए, एफ वन एक्स प्लस माइनस क्या होगा, एफ टू एक्स प्लस माइनस क्या होगा, एफ थ्री एक्स डैश 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 प्लस माइनस एफ एन एक्स हो जाए और इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाए। तो इस सभी को हम अलग अलग क्या करते हैं, सभी को हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं सभी को। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स इंटू क्या डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ थ्री एक्स इंटू डी एक्स आडाडस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहां इन लगाएंगे। तो इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे एफ वन एक्स, क्या लिखेंगे एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स, डेट है कितना एफ एन एक्स लिखेंगे, ये प्लस माइनस है, यानी यही इसका क्या है, ये टर्म डिफाइन होता है। लेकिन यहां पर समझना है कि ये नियम कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन में यू इंटू भी होता था, यू बाई भी होता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा तो उसका कुछ अलग टर्म आएंगे, उसके अलग थ्योरम लेकर आएंगे, उसका अलग थ्योरम बनेंगे, ठीक है ना। तो हम इस पर रिलेटेड हम बहुत से सारा सवाल बता रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर? पहला इंटीग्रेशन का रूल है, रूल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू क्या डी एक्स जो होता है, तो एक्स का पावर एन प्लस वन बाई क्या एन प्लस वन प्लस सी होता है, या एन प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, ये इसका कंडीशन है, ये इसका कंडीशन है। एक एक सवाल को पहले आप समझिए, एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है, निश्चल नंबर, होल नंबर, जो भी है। इंटीग्रेशन, अगर हम एक्स टू दी पावर अगर हमने जीरो ले ले, एक्स का पावर क्या जीरो इंटू डी एक्स, ध्यान देना, तो यहां पर एक्स का पावर जीरो का अगर वैल्यू दिखाया था वन होता है, कितना वन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्मूला बनाना है तो ये पावर में कितना जीरो है ना, तो एक्स का पावर क्या बनाओगे जीरो प्लस वन बाई क्या जीरो प्लस वन प्लस आप सी लिखो, तो आप देखेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स प्लस क्या होगा सी हो जाएगा, ये आपका कंडीशन है, ये तो ऐसा। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम जीरो इंटू अगर हमने डीएक्स लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जीरो होगा, नहीं, क्योंकि अगर इसका ये तो जीरो होगा लेकिन इसके साथ सी बचेगा ना, इसका जो डीसी क्या केवल के हो जाएगा, या आप सी लिख सकते हो, केवल इसका डीसी के या सी होगा। अगर आप पावर में देखना चाहते हो, अगर पावर में अपने क्या लिखा एक लिखा, अपने पावर में एक लिखा, तो जब पावर में एक लिखोगे इंटू क्या डीएक्स, तो देखो इसका पावर में वन है ना, तो आप लिखोगे एक्स का पावर वन प्लस वन बाई
वन प्लस वन अप्लस क्या सी, यानी एक्स का पावर टू अब क्या टू अप्लस सी, यानी इस पर जितने सवाल है ऐसा बन जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर हमने रूट एक्स इंटू डी एक्स ले लिया तो आप क्या लिखोगे, आप ध्यान दो x का पावर कितना 1 बाई टू इंटू क्या dx, तो इसका पावर में कितना है x का पावर 1 बाई टू प्लस वन अब क्या 1 बाई टू प्लस वन प्लस सी, यानी x का पावर 3 बाई टू अब थ्री बाई टू प्लस क्या सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटा क्या 3 x का पावर क्या 3 बाई टू प्लस सी। तो अगर इससे रिलेटेड सवाल आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हमारा रूल है कि अगर हम यहां लिख दें e के पावर kx, तो अगर e के पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन हमको करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो देखना है कि e के पावर kx अब क्या होगा k a प्लस c हो जाएगा। ये कोई कांस्टेंट टर्म आपका है, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर मैंने क्या 2x into dx, तो आप क्या लिखोगे e के पावर 2x अब क्या 2 प्लस c, मतलब जो आपका कोफिशियंट हो वो बटन में आ जाएगा, जो कोफिशियंट हो आपका बटन। अगर मैं आपको लिख दूं e के पावर 3x प्लस 5 इंटू dx, तो इस x के कोफिशियंट से लेना देना है, तो जो कोफिशियंट है वही बटन में आएगा, यानी e के पावर क्या 3x प्लस 5 अब क्या 3 अब प्लस क्या c। अगला हम रूल देख रहे हैं, अगला रूल देख रहे हैं आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू dx, तो आपने इसके लिए क्या पढ़ा a के पावर x log e टू द पावर क्या a a प्लस क्या c, यानी अगर मैं कोई नंबर ले लूं कि 3 के पावर x इंटू dx, तो आप क्या लिखोगे 3 के पावर x अब क्या log e टू द पावर 3 a प्लस क्या c, जो भी रहेगा वो इसके पावर में आ जाएंगे। आप अगला रूल देख सकते हो, रूल देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी अगर किसी टाइप का सवाल हो, हम आते हैं साइन, अगर हम बोले कि साइन के एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो जो के कोफिशिएंट है ना वो लिखेंगे, तो पहले तो क्या साइन का क्या हो जाएगा कॉस के एक्स अब क्या होगा के अब प्लस क्या होगा सी, लेकिन यह क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस में होता है। लेकिन अगर आपका हो जाएगा कि कॉस कॉस के एक्स और इंटू डी एक्स, तो लिखेंगे साइन के एक्स अब क्या के प्लस सी। ये मतलब हर तरह के आप सवाल बना सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो अगर आपको मान लो कैसे दे दिया सेक स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे आप लिखोगे टैन के एक्स अब क्या के प्लस सी, यानी आसानी से बना सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहे ना ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम बोले कि साइन टू एक्स साइन का बताओ इंटू डी एक्स, तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस टू एक्स, आज जो कोफिशियंट टू है ना वही बटा में प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। अगर हम बोले कि कॉस थ्री एक्स और इंटू क्या डी एक्स, तो माइनस प्लस साइन थ्री एक्स अब क्या थ्री प्लस सी। तो ये सवाल, ये जितने भी सवाल है आप आसानी से बना सकते हैं, इसको नोट करें, हम आगे चलते हैं। अगला हम बात करते हैं कि 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिखा, यहां पर क्या आई इंटू डी एक्स लिखा, तो हमने बोला कि साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना, ये रूल, इस पर हमने सवाल देखा, सवाल हमने देखेंगे। लेकिन जरा सोचो ध्यान देना कि अगर हम इस एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 बाई और यहां पर 1 माइनस और 4x का अगर हमने स्क्वायर ले लिया, आई इंटू मैंने डी एक्स लगा दिया, रूट ऑफ लगा दिया, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जितना है इसके स्क्वायर, जिसे ऐसे स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो सबसे पहले आप देखोगे जब इसको आप रखोगे, जो आपका ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आप देखोगे ये कितना है, ये पहले कितना है, ये इस पर ही आपको ध्यान देना, 2x है, तो इसका जो होगा साइन इनवर्स 2x अब आई 2 आ प्लस क्या सी, ये जितना होगा क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अब आई क्या 2 प्लस सी। क्यों क्यों, यही हमारा फंडामेंटल कंडीशन है, जितना इसके साथ होगा वही आपका क्या होगा बट्टा में आएगा, वही आपका बट्टा में आएगा, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा रूल देखिए, अगर मान लो कि हमने देखा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपने बोला सर इसका टैन इनवर्स एक्स अप्लस सी हो,
तो यहां पर जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस बात को हमको देखना है कि कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जो चेंज होंगे उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर सवाल में, अगर सवाल में वन बाई वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, माने यहां पर मैंने डिक्स लगा दिया, लिखेंगे वन बाई वन प्लस टू एक्स क्या प्लस पर इंटीग्रेशन इंटू क्या डिक्स। तो जो भी आप लिख रहे हैं यहां पर वन बाई का लिखेंगे वन बाई टू और टेन इनवर्स एक्स बाई क्या ए, यानी कितना ए की जगह पर क्या वन है, ए की जगह पर क्या वन है, तो आप यहां लिखोगे क्या वन आप प्लस क्या सी, यानी इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो जो जो कंडीशन आपका चेंज होगा वैसे कंडीशन को आपको क्या करना लिखना पड़ेगा। तो ये तमाम छोटे छोटे सवाल हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, बहुत सारे सवाल बनाते हैं। इंटीग्रल फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। तो जो सवाल दिया है तो सवाल को हम लिखेंगे, हम आगे बढ़ाते ही सबका सवाल है, आई बराबर हम मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है इसको आप दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स इंटू क्या डी एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू क्या डी एक्स, ये सबको अलग अलग इसके साथ सेपरेट करना, आई डी एक्स इसका मल्टीपल होते जाएगा, बीच में फिर प्लस है, फिर क्या वन इंटू क्या होगा डी एक्स। तो जो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो यहां तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो बाहर तो निकलने कोई बात ही नहीं है। आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन यहां थ्री है तो थ्री बाहर निकले इंटू एक्स इंटू क्या डी एक्स प्लस यहां पर क्या होगा डी एक्स होगा। तो आपने क्या पढ़ क्या है, जो पावर में होगा उतना एक जोड़ेंगे उतना ही पावर से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या होगा एक्स क्यू यानी ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस वन बाई क्या टू प्लस वन प्लस यहाँ के पावर में एक है तो थ्री इंटू एक्स का पावर वन प्लस वन बाई क्या वन प्लस वन आ प्लस ए एक्स है तो यहाँ एक्स प्लस सी हो जाता है। आप यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर क्या थ्री अबाई क्या थ्री आ प्लस यहाँ का लिखेंगे थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या टू आ प्लस एक्स आ प्लस क्या सी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। तो अगर हम दूसरा सवाल आपको दें यहाँ पर, दूसरा सवाल आप बना के देखो, तो दूसरा सवाल इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस नाइन इंटू क्या डी एक्स। अब आपसे बनेगा कि नहीं, एकदम बनना चाहिए। आप क्या करोगे अलग अलग कर लो एक्स क्यू इंटू क्या डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाइव एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स प्लस थ्री एक्स इंटीग्रेशन इंटू क्या डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन नाइन इंटू क्या डी एक्स। जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल दो, एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू डी एक्स प्लस नाइन इंटू क्या डी एक्स। ये जितना है पावर में एक्स का पावर थ्री प्लस एक बटा क्या थ्री प्लस एक प्लस पाँच है तो पाँच रहने दो, एक्स का पावर दो प्लस एक बटा कितना दो प्लस एक प्लस थ्री है एक्स का पावर एक प्लस एक बटा क्या एक प्लस एक प्लस नाइन इंटू क्या होगा एक्स प्लस क्या सी, यानी x का पावर 4 बाई क्या 4 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3 बाई क्या 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या 2 और प्लस क्या 9x प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन, आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टेप से अगर आपके पास इंटीग्रेशन आएंगे आपकी किताब में दिखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। हम आगे और सवाल लेकर चलते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। यहां पर त्रिभुज से सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिसको कुछ ऐसे फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप नहीं बना सकते हो। आपसे मैं पूछूं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हो, इसका डायरेक्ट बना ही नहीं सकते हो। मैं पूछूं कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बताओ, नहीं बना सकते हो। मैं पूछूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, आप नहीं बना सकते। क्यों? इसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता नहीं है। और याद करो हम कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख रहे हैं,
आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2x को आप लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखते थे 1 माइनस कॉस 2x। और आपको पता है कि आपने टेन स्क्वायर के लिए क्या लिखा था, आप क्या लिखते थे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां पर cot स्क्वायर एक्स के लिए लिखते थे क्या, यहां पर cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी ऐसे फॉर्मूले हैं, ये ऐसे फॉर्मूले हैं, इनका इस स्क्वायर का डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं होता, इसका डायरेक्ट होता ही नहीं है। इसको अगर इंडिकेट करना होगा तो इसको इसको किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, इस रूप में तोड़ना पड़ेगा, कैसे जरा समझिए आप। ये क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, ध्यान देना, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस dx, और sec का इंडिकेशन क्या होता पता है ना, क्या होता है, tan x माइनस x प्लस c। उसी प्रकार आप यहां cot का देख सकते हैं, आप cot का देख सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है, आपका क्या होने वाला है। तो आप cot स्क्वायर एक्स इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या dx, यानी अलग अलग कर लेंगे, cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस dx, और cos का क्या होता है, माइनस cot x माइनस x प्लस c होता है, क्योंकि इसका इंडिकेशन इतना होता है, मैंने पहले पीछे पढ़ा चुका हूं, तो इसका इंडिकेशन इतना आएगा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, आप बता दो हमको sin स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन बता दो इंटू dx, नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता है, यहां पर साइन स्क्वायर को डायरेक्ट लिखेंगे तो बनेगा ही नहीं, हम क्यों, क्या बने, यहां दो से है ना, तो इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक बटा दो लिखेंगे, और फंक्शन दो है, और क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, एक बटा तो हमने लिख दिया, और इसका जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे फंक्शन का, इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, देखो तो 1 माइनस क्या कॉस 2x इंटू क्या डी एक्स। अब इसको 1 बाई 2 को अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब बताओ 1 बाई 2 हमने लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या, x माइनस इसका क्या होता है साइन ना, तो साइन 2x बाई क्या 2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, जय हिंद जय भारत।